आज हम जा रहे हैं आनंद विहार, मदर इन लॉ को लेने अपनी रेलवे स्टेशन पे। तो साथ में मेरी वाइफ भी है और हम जा रहे हैं ऑटो पे। तो साथ में साले साहब भी बैठे हुए हैं और साले साहब ही ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं और पूरे रास्ते आपको दिखाएंगे। तो इस टाइम है हम रोहिणी, रात के 9 बज रहे हैं, तो हमें 10 बजे वहाँ पहुँचना है। 9 से भी कम ही टाइम है थोड़ा सा, तो हमें 10 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तो वहाँ गाड़ी आने वाली है 10 बजे तक, तो गाड़ी से उतर के हम अपनी उतरवा के हम अपनी मदर इन लॉ को लेके आएंगे साथ में। तो इस टाइम हम रोहिणी है, रोहिणी सेक्टर 5, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के पास, तो नियर अम्बेडकर हॉस्पिटल भी पड़ता है। तो चलो आपको दिखाते हैं पूरे रास्ते की सैर कराते हुए हम आपको लेके जाएंगे। हम अपने रास्ते का सफ़र आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये है कैंसर हॉस्पिटल राजीव गांधी। कैसे कैसे जाना है, सामान देख के जाओ, बस बस। तो रास्ते में कई चीज़ें आएंगी, जैसे अब सामने मेट्रो आ गई है, ऊपर से मेट्रो लाइन जा रही है और मॉल हमारे यहाँ का रोहिणी का मशहूर है। और अभी आपको मॉल के भी दर्शन कराते हैं, सिटी सेंटर। तो लाल बत्ती से निकल पड़े हम, तो सामने बिग बाजार है, रोहिणी सिटी सेंटर बिग बाजार इसके बैक साइड में है। तो अभी फिर रेड लाइट पे रुक गए, चलती है फिर दिखाते हैं। चलो ये तो रेड लाइट खराब थी, तो ये सारे लोग रुके हुए थे, तो अब धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ा दी लोगों ने काफी देर इंतजार करने के बाद। तो अब मॉल आ गया सामने, ये रोहिणी मॉल है और इसका नाम है मोर हाइपर मार्ट, और सामने ये डी मॉल। तो ये बनाया हुआ है इन्होंने क्रिसमस का मॉल के सामने, बहुत ही प्यारा। छोटे गाड़ी 25 दिसंबर आने वाला है क्रिसमस टी। तो ये क्या चीज होती है, क्रिसमस टी? हाँ। क्रिसमस टी बनाया हुआ है सामने बीकानेर वालों ने। ये जब भी कुछ त्योहार आता है तो उसको जरूर ये बना देते हैं। अभी बीच में ना राम जी की मूर्ति बनाई हुई थी राम मंदिर वाली, दिवाली पे, दिवाली के आसपास का टाइम था, दिवाली ही थी, तो दिवाली से काफी दिन तक अभी तक वो रही थी। तो अब उन्होंने उनको हटा के अब ये क्रिसमस टी बना दिया है। और उससे पहले इन्होंने 15 अगस्त पे भी बनाए हुए थे। क्रोमा है ना ये? हाँ, ये क्रोमा है, क्रोमा सिटी सेंटर वालों ने। ये भी बहुत ही बढ़िया हमारे यहाँ डी मॉल के साथ में ही है। ये 3 से 4 मॉल जो है एक साथ एक लाइन पे ही है, बिल्कुल मेट्रो के नीचे है, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास ही पड़ते हैं लमसम। और यहीं पे मेट्रो वॉक है, एडवेंचर आइलैंड वो भी थोड़ा सा इसके पीछे है। चलो अब हमारी ग्रीन लाइट हो गई, तो अब ये हमारे सोनू भैया यहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं। तो सोनू भैया से हम आपको बाद में मिलवाएंगे, अभी बैक साइड से ही देख लो ये गाड़ी चला रहे हैं। तो हम मधुबन चौक की साइड जा रहे हैं, तो वहाँ से हम रिंग रोड पे डाल लेंगे इस गाड़ी को।
सरपंच चौक, तो हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट, तो हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे क्योंकि हमें रिंग रोड की साइड से जाना है, तो हमें यहीं से जाना पड़ेगा। काफ़ी लंबा रूट है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डा दोनों साथ ही हैं, रेलवे स्टेशन और ISPT दोनों साथ में ही हैं। तो हम रिंग रोड से निकलेंगे, तो सोनू भैया बड़े फास्ट चला रहे हैं। सोनू भैया थोड़ा आराम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाईपास पहुंच गए और बाईपास से अब हम सीधे सीधे ही यहाँ से मधुबन चौक से जब निकले तो बाईपास पहुंच गए और अब सीधे सीधे ही हम जाए जा रहे हैं। तो यहाँ फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर आ जाते हैं, रास्ते में नॉन स्टॉप रोड है ये, हम अब चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जाएंगे। ट्रक वाले भैया भी जा रहे हैं साथ में। तो बाईपास पार करने के बाद हम वजीराबाद फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं, तो यहाँ से सामने नज़र आ जाता है सिग्नेचर ब्रिज। तो सिग्नेचर ब्रिज फ्लाईओवर से होते हुए हम जाएंगे, तो हमें ज़रा सिग्नेचर ब्रिज की फ़ोटो भी भाइयों आप लोगों को दिखानी है। तो इस टाइम धुंध पड़ रही है, देखो वो सामने आपको नज़र आ जाएगा, लाइट जल रही है ऊपर की साइड, जल रही है, बुझ रही है, और रंग बिरंगी लाइटें हैं इसमें। तो शायद ये ऊपर हमें जब भी आते हैं तो सुनते हैं कि यहाँ इसके ऊपर कोई रेस्टोरेंट बनाएंगे ये। तो देखो कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ जगमग जगमग फ्लाईओवर के नीचे भी आपको लाइटें नज़र आ जाएंगी रंग बिरंगी, ये कलर चेंज करती रहती है। तो सोनू भैया को 2 मिनट कहेंगे, ज़रा साइड में लगा देंगे हम, तो साइड में लगा के ज़रा सिग्नेचर ब्रिज की एक बारी तसल्ली से फोटो ले लेंगे। जरा सुनो भैया, जरा साइड लगा दो, 2 मिनट लगा दो, 2 मिनट लगा दो, कोई बात नहीं। तो ये है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज और नीचे आपको जमुना जी नजर आ जाएंगे, तो अंधेरे में अभी शायद कम दिख रहे हैं। ये जमुना जी का पुल है पुराने वाला और ये नया सिग्नेचर ब्रिज बना था। तो यहाँ ज़्यादा देर रुकने की परमिशन है नहीं क्योंकि सामने बैरियर लगा होता है और पुलिस वाले आजकल रुकने नहीं दे रहे यहाँ पे। तो चलो सोनू जी, यहाँ से इन्होंने रास्ता बनाना है ऊपर चढ़ने के लिए। नीचे से फोकस जा रही है नीचा और ये लाइटें जल रही हैं यहाँ पे भी, नीचे से जा रही है, नीचे से ऑक्सीजन जा रहा होगा, बहुत ही सुंदर नजारा। अब हम पहुंच गए आनंद विहार बस अड्डा, तो हमने जाना है स्टेशन। तो स्टेशन के लिए हमें आगे की साइड से जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। ले लो है? हाँ यहाँ से है, ले लो आप। ये रहा आनंद विहार बस अड्डा और रेलवे स्टेशन को भी यही रास्ता जाता है। आपको और भी ऑटो जाते हुए दिखाई दे जाएंगे और ये अब बसें खड़ी हुई दिखाई देंगी।
तो अब हम पहुंच गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो अब मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा अंदर से, और ये भारत का नज़ारा है। अंदर से भी ये बहुत सुंदर बना हुआ है, मैं इसमें कई बार आ चुका हूँ। चलो फिर दिखाता हूँ। चार नंबर के लिए मुझे यहाँ से नीचे से जाना पड़ेगा। तो मैं अंदर आया था अपनी मदर इन लॉ को लेने, तो वो बाहर आ गए, तो अब मैं उनको बाहर जा रहा हूँ लेने। तो मैं गया थक चलते चलते, देखता हूँ अब कहाँ खड़े हैं। उन्होंने फोन किया है, अब ढूंढना पड़ेगा। कैसा रहा सफर आपका? ठीक है। चलो फिर बैग वैग उठाओ। मेरी मदर इन लॉ आई है यहाँ पे, यहाँ खड़ी थी, बताओ, आनंद विहार बस टर्मिनल। तो हमारा ब्लॉग अब समाप्त होता है।